हुआ है आपका क्लास 10th का मैट्रिक एग्जाम इंग्लिश का, उसका हम आंसर किया आज बताने वाले हैं फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग के। तो जितने से ज़्यादा विद्यार्थी हैं सब जुड़े और जो एग्ज़ाम दिए हैं वो मिला लें आप अपना आंसर कि कितने आपने सही बनाया। ऑब्जेक्टिव खास करके मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए आया हूँ। तो देखिए ये फर्स्ट सीटिंग का है, आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं बताने वाला हूँ आप सबको फर्स्ट सीटिंग का। जो फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है उसका आपको फर्स्ट सीटिंग का याद रखना, फर्स्ट सीटिंग का है जो इंग्लिश का 10th का, उसके बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग जुड़िए और मिलाइए। चलिए देखिए मिलाते जाइएगा, जो जो एग्जाम दिए हैं सब जितने लोग हैं सब। देखिए पहला जो क्वेश्चन था कि फिल्म्स टुडे आर ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिव, इसका हो जाएगा बी, आपका होगा एक्सप्रेशन, याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा बी एक्सप्रेशन। ये गलत बनाया हुआ है, किसी ने बनाया है तो ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा बी एक्सप्रेशन। फिल्म्स टुडे आर ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है, देख लिए सब क्या हो जाएगा। फिल्म्स टुडे आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो जाएगा, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से लिया गया है, इसी में बताया गया, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज शेमफुल टू नो दैट द बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर, बहुत ही यह जानकर लज्जापूर्ण बात है कि इट इज शेमफुल टू नो दैट बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर, है ना, क्या किया गया था बुद्धिस्ट मॉन्क को, क्या किया गया था, बीटन किया गया था, पीटा गया था, याद रखिएगा, ड्राइवन अवे इम्प्रिजन नहीं किया गया था, ना कैद किया गया था, ना उस पर हंसा गया था, ना उन्हें भगाया गया था, बल्कि बुद्धिस्ट मॉन्क को पीटा गया था। ये एक्सेप्टेंस स्पीच से लिया गया है, ये एक्सेप्टेंस स्पीच से लिया गया है, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ये बीटन अप हो जाएगा, उनको मारा पीटा गया था। ये अंग संग सुकी के भाषण में बताया गया किस तरह से बर्मा में जो आजादी के लिए लड़ रही थी, प्रजातंत्र के लिए लड़ रही थी, तो उसमें जो भी लोग शामिल हुए थे तानाशाही सरकार के खिलाफ, उसमें तानाशाही सरकार ने क्या किया था, बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनको भी पीटा था, कुछ को जेल में बंद कर दिया था और कुछ को मतलब कि है ना पुलिस बर्बरता का सामना करने पड़ा गया था। तो याद रखना है ब्रिटेन अप हो जाएगा इसका आंसर। अगला है द ओल्ड वोमेन इज नेवर, द ओल्ड वोमेन इज नेवर, द ओल्ड वोमेन इज नेवर अशेम्ड ऑफ बीइंग द डॉटर ऑफ ब्लैक, है ना, ब्लैक क्या हो जाएगा, अमेरिकन स्लेव्स हो जाएगा, अमेरिकन स्लेव्स, याद रखिए वो वंस अपॉन ए टाइम से लिया गया है, ये वंस अपॉन ए टाइम्स में है और कह रहा है कि बुढ़ी जो महिला थी वो कभी लज्जित नहीं थी, यह होकर कि वो क्या थी, काली दास गुलाम के बेटी थी, याद रखना ब्लैक स्लेव्स अमेरिकन हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अमेरिकन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका अमेरिकन। चलिए अगला पर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द ग्रीक इन्वेडर्स सेट ए है, याद रखना सेट जो है आपका ए में है, आप मिला लेना सेट ए का है, याद रखना द ग्रीक इन्वेडर्स वेर फॉलोड बाय, याद रखना सकाज एंड हुंस, ग्रीक इन्वेडर्स जो थे आक्रमणकारी यूनान के, वो सकाज और हुंस के द्वारा ही आए थे, सकाज और हुंस था, ये लिया गया आपको चैप्टर जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर से बताया गया है, इसमें सकाज और हुंस के द्वारा फॉलोड किया गया था। अगला चैप्टर पे हम लोग चलते हैं, जॉन लेक्साव इज द राइटर ऑफ, जॉन लेक्साव किसका लेखक थे, तो मी एंड द इकोलॉजी बिट, जॉन लेक्साव राइटर है, मी और इकोलॉजी बिट का राइटर जॉन लेक्साव। और अगला है क्वेश्चन, महादेवी वर्मा समटाइम्स पुट गिल्लू इन, महादेवी वर्मा कभी कभी गिल्लू को किसमें कर देते, इनवेलप में कर देते, जब ज्यादा गिल्लू जो परेशान करने लगता था महादेवी वर्मा को तो एक लिफाफा में उसे बंद कर देते थे और केवल उसका मुंह निकला हुआ रहता था और पैर सिर्फ निकला हुआ रहता था, जब लिखने के लिए बैठ जाती थी महादेवी वर्मा तो गिल्लू तंग करता था, कभी पैर से सर तक, सर से पैर तक करता था, कभी पर्दे पर चढ़ कर नीचे उतर करता था और कभी कभी टेबल पर आकर उनके उंगलियों को पकड़ता था, तो इससे मतलब महादेवी वर्मा उसके शरारत से तंग होकर कभी कभी उसके लिफाफा में बंद कर देते थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग, याद होगा आपको यूनिटी, स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी इज रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, कहता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के एक क्या है उल्लेखनीय विशेषता में क्या है, अंतरहीनता की एकता, अंडरलाइंग यूनिटी मतलब होता है अंतरहीनता की एकता, अंडरलाइंग यूनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडरलाइंग यूनिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग,
करा इज समथिंग विच पीपल हार्डली पे अटेंशन. क्या था? रिलेशन के एजुकेशन की इकोलॉजी. तो याद रखना कि इकोलॉजी इज समथिंग विच पीपल हैज डिली पे अटेंशन, जिस पर लोग मुश्किल से ध्यान देते थे. पर्यावरण के लिए लोग जो है बहुत मुश्किल से ध्यान देते हैं. रिलेशन समझ पर तो ध्यान देवे करता है, सुरक्षा पर भी ध्यान देता है, शिक्षा पर भी ध्यान देता है, लेकिन पर्यावरण के लिए लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं. मेन इकोलॉजी चैप्टर से लिया गया है इसको, जो पर्यावरण के लिए बहुत लोग कम ध्यान देते हैं. अगला देखिए, द कॉर मर्चेंट वॉज अनेबल टू हैंडल द, याद रखना, ऑफ लाइफ. किसके लाइफ को? पेस ऑफ लाइफ. याद रखना, जो कॉर मर्चेंट था, है ना, पेस फॉर लिविंग चैप्टर के मक्का व्यापारी, वो क्या कर रहा था? जीवन को गति को संभालने में, झेलने में क्या था? असमर्थ था. याद रखना पेस ऑफ लाइफ, याद रखना पेस ऑफ लाइफ, मिलाते जाना सब. अगला है क्वेश्चन, जिम ड्रॉव हिज खाली स्थान. जिम किसको ड्रॉव करता था? राउंड द बैकयार्ड ऑल समर. तो याद रखना मोटरबाइक को. जिम जो है मोटरबाइक को, जिम जो है मोटरबाइक को पूरे गर्मी के दिनों में क्या करता था? चलाते रहता था मोटरबाइक को. ठीक है, अगला देखिए, अकुलिया ग्रैंड मदर वांटेड द पीपुल टू खाली स्थान इंस्टेड ऑफ फाइटिंग. तो क्या करने के लिए? रिज्वास. अकुलिया के मदर जो चाहते थे कि लोग, आज के दिन ईस्टर का त्योहार था, तो ईस्टर के त्योहार पर, कोई भी त्योहार पर लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता, बल्कि त्योहार का आनंद लिया जाता है, जबकि लोग लड़ रहे थे. तो अकुलिया के दादी माँ चाहती थी कि आज के दिन लड़ाई झगड़ा ना करे लोग, बल्कि आनंद ले, त्योहार का आनंद ले. ठीक है, सब मिलाते जाना, कितना बनाया हो सब पता चल जाएगा आप लोग का. महादेवी वर्मा वाज इंजर्ड, महादेवी वर्मा घायल हो गई थी. तो याद रखना कार एक्सीडेंट में, महादेवी वर्मा जो मोटर बाइक एक्सीडेंट में नहीं, कार एक्सीडेंट में दुर्घटना बस हो गई थी. याद रखना इंजर्ड हुई थी किसमें? कार एक्सीडेंट में. महादेवी वर्मा जो है कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गई थी. द खाली स्थान ऑफ बर्मीज पीपुल वाज इंडीड पैथेटिक. द कंडीशन ऑफ बर्मीज पीपुल, बर्मा के लोगों का जो हालात था, बेशक करना पूर्ण था. याद रखना पैथेटिक मतलब करना पूर्ण था, मतलब बहुत ही दयनीय था. याद रखना तो कंडीशन हो जाएगा हालात बर्मा के लोगों, क्योंकि वहां पर बर्मा के लोगों को सताया जा रहा था तानाशाही सरकार के द्वारा. आजादी नहीं था, ना बोलने की आजादी था, ना घूमने की आजादी था, ना कोई काम करने की स्वतंत्रता था. इसीलिए बोल रहा है द कंडीशन ऑफ द बर्मीज पीपुल वेयर इंडीड पैथेटिक. अगला है द क्रॉज वेयर इंगेज्ड इन, कौवे जो थे शामिल थे पॉकिंग देयर, किसको? तो बिग्स को. चोच मार रहा था एट द फ्लावर पॉट्स. याद रखिये फूल वाले गमला पर चोच मार रहे थे, और वहां पर क्या था? छोटा सा गिलहरी का एक बच्चा भी था, उस पर भी मार रहा था. ये महादेवी वर्मा के चैप्टर है, गिल्लू से लिया गया है. अगला है द खाली स्थान आर हैंडीकैप्ड इन फाइंडिंग ए लिविंग देमसेल्फ. तो क्या हो जाएगा? स्लो थिंकर्स हो जाएगा. स्लो थिंकर्स जो है मन विचारक, आज अपना जीविका चलाने में खुद को क्या समझते हैं जी? असमर्थ पाते हैं, है ना. स्लो थिंकर्स जो है, जो अपने जीविका को चलाने में खुद को क्या प्राप्त कर रहे हैं? असमर्थ प्राप्त कर रहे हैं. अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग ए कार, जिम एडवाइज मिस्टर जॉनसन टू, क्या करने के लिए? वॉक, चलने के लिए कहा था कि चलिएगा तो शरीर के लिए स्वस्थ रहेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा. इसलिए आप पोस्ट ऑफिस कार से जा रहे हैं, उसके जगह पर आप क्या कीजिए? चलिए, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा समय था, पेस फॉर लिविंग नहीं बताया गया था. अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. खाली स्थान है, द यूनिवर्सिटी हैड कन्फर्ड एन ऑनरी डॉक्टरेट और सत्यजीत रे. तो कौन सा हो जाएगा आपको बताइए? तो कौन सा यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज के ऑक्सफोर्ड. तो याद रखना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर रेट की उपाधि सत्यजीत रे को दिया था. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी याद रखना. चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग. आंग सान सू की गॉट द नोबेल पीस प्राइज ऑन द, किस दिन मिला था आंग सान सू की के? तो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर मिला था. अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर 10 दिसंबर 1991 में ओस्लो में मनाया जाता है. याद रखना इंटरनेशनल 10 दिसंबर को मनाया जाता है. 10 दिसंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है कोची, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, मानव अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस. गिल्लू हैड डिस्कवर्ड ए न्यू मेथड टू टैकल द, गिल्लू ने एक नया तरीका का पता लगाया था क्या करने के लिए? समर हीट, गर्मी के क्या करने से बचने के लिए. सुराही पर क्या किया था? सुराही पर लेट गया था, लेट जाता था वो, तो एक अलग तरह के उपाय निकाल लिया था क्या करने के लिए?
तो उस धूप से बचने के लिए, गर्मी के ताप से बचने के लिए सुराही पर लेट जाता था गिल्लू। फिल प्रोडक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे इज क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा, तो ऑफ लो क्वालिटी क्वांटिटी भी हो जाएगा कि क्वालिटी भी हो जाएगा कि हार्डली रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा। तो बताइए आप लोग जी, भारत में फिल्म प्रोडक्शन जो इंडिया में फिल्म का निर्माण क्या है, तुलनात्मक रूप से द्वितीय स्थान पर था, याद रखना आप इस बात को, है ना, तो क्वांटिटेटिवली हो जाएगा, याद रखना क्वालिटी भी है ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा, तुलनात्मक रूप से है। द इंडियन सोसाइटी हैज द कैपेसिटी फॉर, क्या हो जाएगा, रीएडजस्टमेंट, इसके पास क्षमता था पूर्ण संयोजन के लिए, तो भारतीय समाज के पास कैपेसिटी था क्या करने के लिए, रीएडजस्टमेंट का कैपेसिटी था भारतीय समाज के पास, है ना, रीएडजस्टमेंट का कैपेसिटी था। जितने बच्चे जुड़े हुए अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए सब, और मिलाइए आपका फर्स्ट सीटिंग का है, सेट ए का है, याद रखिए, है ना, सेट ए है आपका और फर्स्ट सीटिंग का मैं बता रहा हूं बाबू आंसर की, फर्स्ट सीटिंग का ही आंसर की बता रहा हूं। आगे देखेंगे हम लोग, द हीरो इन द मूवी एज डिस्क्राइब्ड इन द पेस फॉर लिविंग टू हिज, क्या करता, वेनी केम इंडोर्स, जब अंदर आता तो क्या करता था, टूक शर्ट को के हैट को, टोपी को बाहर रखता था, टोपी निकालता था। उस नाटक में, डुबलिन में जो नाटक देखा गया था जिसमें हीरो आता था तो टोपी को निकाल कर टांग देता था, याद रखिएगा इस बात को, टोपी को निकाल कर क्या करता था, टांग देता था। अगला है, ए मैन अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पॉप इज सेड टू बी ब्लेस्ड व्हेन हैज नो, क्या हो जाएगा, एंग्जाइटीज, ब्लेस्ड मैन कौन होगा, व्हेन ही हैज नो, क्या, जब उसकी कोई चिंता नहीं हो, वही व्यक्ति क्या है, वही व्यक्ति परिपूर्ण है, वही व्यक्ति जो है ब्लेस्ड है, खुशहाल है, जिसके पास कोई चिंता नहीं है वही व्यक्ति क्या है, खुशहाल है, याद रखना। राधा इज ग्रोइंग थिनर देन, तो क्या हो जाएगा, क्रिसेंट मून हो जाएगा, क्रिसेंट मून हो जाएगा, याद रखना, थिनर देन क्रिसेंट मून, चांद के आंशिक रूप से भी ज्यादा दुबली होते जा रही थी राधा, किसके, कृष्ण के वियोग में, क्योंकि कृष्ण बहुत दिनों से उसे मिलने के लिए नहीं आ रहे थे, इसीलिए राधा जो है उनके वियोग में क्या आ रही थी, चांद के आंशिक रूप से भी दुबली होते जा रही थी, याद रखना इस बात को आप लोग। नेक्स्ट जो है, पोटर्स हार्ट ऑफ ट्यूटर्स लाइफ, पोटर का हार्ट जो है स्लीपिंग पोटर्स में किसके तरह जो चहचहाता था, तो पक्षी की तरह, याद रखना, बर्ड की तरह, पोटर्स का हार्ट जो है पक्षी की तरह चहचहाता था। खाली स्थान बर्न्स, है ना, द कोयल हार्ट, कोयल के हृदय को कौन जलाता था, ग्रीन गार्डन, याद रखना, जितना भी हरा भरा गार्डन होता था कोयल्स के हृदय को जलाता था, क्योंकि कोयल्स जो है उसके जो है प्रेमिका जो है बिछुड़ गया था, उस आम के पेड़ पर जब गा रहा था तो ठनका ठनक गया था, उसी में उसके प्रेमिका को बिछड़न हो गया था, तो देखता था आसपास में हरा भरा तो उससे जलन उसको होता था, क्योंकि सब कुछ हरा भरा हो गया था, आम के पत्ते भी आ गए थे लेकिन उसका प्रेमिका नहीं आया था, इसीलिए उसको जलन होता था उस बगीचे से भी, और याद रखिएगा उस आम के पत्तों से भी। ही चैलेंजिंग द माउंटेन, हुई चैलेंजिंग द माउंटेन, तो पर्वत को चुनौती कौन दे रहा था, पोटर दे रहा था, चैप्टर स्लीपिंग पोटर से है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने लिखा है। अगला है, हु रोट द पोएम कोयल, है ना, कविता को किसने लिखा है, तो कविता को लिखने वाला कोयल को है, याद रखिएगा, पूरन सिंह लिखे है, कोयल कविता को लिखने वाला कौन है जी, पूरन सिंह, कोयल कविता को लिखने वाला है पूरन सिंह। नेक्स्ट पे चलते हैं, द ट्रीज ऑन बाय ए गिव्स हिम शेड इन समर, इसके द्वारा ऑन बाय होता है जी, कॉन्ट्रेक्टर की डिस्ट्रॉयर ऑफ नेचर की कंटेंट मैन, है ना, कि बिल्डर्स, तो ट्री ऑन बाय कंटेंट मैन गिव्स हिम शेड इन समर, याद रखिएगा, बिल्डर्स ना कॉन्ट्रेक्टर्स होगा ना डिस्ट्रॉयर ऑफ नेचर होगा। अगला क्वेश्चन है, द हैज बर्नट द विंग्स ऑफ द कोयल, तो फायर ऑफ लव, प्यार की आग ने कोयल के पक्षी पंख को जला दिया था, प्यार की आग में वो बहुत ही कोयल क्या थी, बेचैन थी, रेसलेस थी, याद रखना। द रिच मैन डाइड बिफोर ही कुड, है ना, क्या किया, बिफोर ही कुड फिल, बिफोर द एट पोर्ट हाल्फ फिल, याद रखना, एम्प्टी हो जाएगा कि हाल्फ एम्प्टी द एट पोर्ट, आधा खाली था ना, तो हाल्फ एम्प्टी द एट पोर्ट हो जाएगा, फिल
ही कुड फिल द एयरपोर्ट, या ये कह सकते हैं ये भी हो सकता है फिल द एयरपोर्ट, याद रखना हाल्फ एम्प्टी या बेटर हो जाएगा, हाल्फ एम्प्टी द एयरपोर्ट हो जाएगा, आधा भरा हुआ था, साढ़े सात था, याद रखना साढ़े सात था उसका, तो तीन पूर्णांक एक बटे दो हो जाएगा, तो साढ़े सातवां हो जाएगा ना, तो कैसे लिखेंगे साढ़े सात को, अगर हम छ पूर्णांक या हम तीन पूर्णांक एक बटे दो लिखेंगे तो साढ़े सात हो जाएगा, मतलब आठवां हो जाएगा, छ एक सात बटे दो, तो है ना। विद्यापति पोएम यूजुअली डील विद, विद्यापति का कविता जो जुड़ा हुआ रहता था, तो याद रखना तो राधाज लव कृष्णा लव, तो किसके प्रेम से जुड़ा हुआ था, राधा लव से, याद रखना राधा और कृष्ण के प्रेम से जुड़ा हुआ रहता, देखो एक में राधा लव दे दिया कृष्णा लव दे दिया, तो राधा और कृष्णा लव दोनों होना चाहिए थे एक साथ में, रुक्मिणी के नहीं था ना, महादेव का लव था, याद रखना उसमें। द पोर्टर चैलेंजिंग द, किसको चुनौती दे रहा था पोर्टर, तो याद रखना माउंटेन्स को दे रहा था पोर्टर, चुनौती दे रहा था किसको, माउंटेन्स को दे रहा था पोर्टर, जो है चुनौती किसे दे रहा था, माउंटेन्स को दे रहा था पोर्टर, जो है चुनौती माउंटेन्स को दे रहा था। अगला हम लोग देखेंगे दुर्गा प्रसाद पांडा जी प्राइमरली क्या थे, शुरुआत में क्या थे, तो प्राइमरली लिंग्विस्टिक थे, याद रखना भाषाविद थे, दुर्गा प्रसाद पांडा प्राइमरली लिंग्विस्टिक थे, भाषाविद थे। वाटर डिलेमेर इज क्रिएट्स एन एटमोस्फेयर ऑफ, क्या हो जाएगा, तो याद रखना मिस्ट्री के एटमोस्फेयर का क्रिएट करते थे, मिस्ट्री इन हिज पोएम्स, वाल्टर डिलेमेर जो है एटमोस्फेयर ऑफ मिस्ट्री, याद रखना रहस्यमय वातावरण को क्रिएट करते थे, मिस्ट्री डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है व्हेन टच्ड इट मेक्स अ स्किकी नॉइज इज फ्रॉम, कहां से लिया गया, तो पॉलिथीन बैग से लिया गया है, ये किससे लिया गया, पॉलिथीन बैग से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर कैन डू नो हार्म, तो ये दिया गया है आपको गॉड मेड द कंट्री से, गॉड मेड द कंट्री से दिया गया, ठीक है। अगला है सावर्नी एंड रेज आर प्रोमिनेंट वर्क्स ऑफ, किसका था सावर्नी और रेज किसका था, तो याद रखना है कि सावर्नी और रेज दुर्गा प्रसाद पांडा के था कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के था, तो ये आपको याद होगा कि दुर्गा प्रसाद पांडा के सावर्नी और रेज था, याद रखना। द रोजेज आर ऑन फायर विच विंड्स एंड वाटर कैचेस इज, कहां से लिया गया है, तो ये भी जो है कोयल से लिया गया, ये भी जो है आपका कोयल से ही लिया गया है, ये भी जी आपको लिया गया है कोयल से, याद रखना बाबू इसको, ये जो लिया गया है कोयल से लिया गया है, ये कोयल से लिया गया है। अगला है पूविन सिरुपी कलेक्शन ऑफ, पूविन सिरुपी किसका संग्रह था, ऑफ बाय पेरिया सेमी थुरल, स्टोरीज का संग्रह था, केसेज का संग्रह था कि नॉवल के था, तो याद रखना पोविन सिरुपी पोएम्स का संग्रह था, कविताओं का संग्रह था, याद रखना पोविन सिरुपी। आई एम रेस्टलेस वेयर इज माई बिलव्ड, मैं बेचैन हूं कहां है मेरी प्रेमिका, कहां से लिया गया, तो कोयल से लिया गया, कहां से लिया गया, कोयल से लिया गया है। द सेक्रेड एंड ऑफेंडेड नाइट एंगल इज, डरी हुई थी तो क्या हो गई थी नाइट एंगल, म्यूट हो गई थी, बिल्कुल वो नेट एंगल जो है बिल्कुल म्यूट हो गई थी, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है व्हाइल मार्था टोल्ड हर स्टोरीज, जब मार्था कहानी को कहती है द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टेयर एट हर विथ, किसके साथ, बहुत ही बच्चे उसके साथ है ना इज आराम से उसे टकटकी लगाकर देखते हैं, जब मार्था कहानी कहती थी है ना, तो बच्चे आराम से टकटकी लगाकर देखा करते थे। जेम्स डॉग हैड डग अप मिस्टर ग्रीन्स, क्या कहा जाएगा, ग्रीन्स के बैकयार्ड को किसके डग अप कर दिया था, गार्डन को, तो याद रखना उसके गार्डन को कर दिया था, जिम के जो कुत्ता था वो किसको खोद दिया था, तो गार्डन को, याद रखना किसको खोद दिया था, गार्डन को। अगला क्वेश्चन है इज द मेन कैरेक्टर इन जनवरी नाइट, मेन कैरेक्टर जनवरी नाइट में कौन था, तो आपको याद होगा जनवरी नाइट का मुख्य पात्र कौन है, हल्कू है, कौन है मुख्य पात्र जी उसका, हल्कू है उसका, मेन कैरेक्टर कौन है, हल्कू। चलिए अगला है एलर्जी काउजेज, एलर्जी जो क्या काउज करता है, तो याद रखना रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हर सब्सटेंस, तो एलर्जी काउज करता है वायलेंट रिएक्शन, याद रखना तीव्र प्रतिक्रिया का प्रयोग करता है, वायलेंट रिएक्शन हो जाएगा, एलर्जी काउज वायलेंट रिएक्शन।
चिकोब रोड, चिकोब लिखा है कितना है, तो 17 प्लेज लिखे थे चिकोब जो है, 17 प्लेज लिखे थे, 17 नाटक लिखे थे चिकोब ने, 17 नाटक लिखा था, याद रखना। एंटन चिकोब जब बेट चैप्टर, द बेट चैप्टर में से दिया गया, द बेट में से याद रखना, 17 प्लेज लिखा है। मिस्टर जेसलर सॉफ वाज लाइक इंटरिंग चर्च हो जाएगा, चर्च की तरह था, जैसा उनका दुकान था मिस्टर जेसलर का क्वालिटी वाला में, ऐसा दुकान था मानो जैसे कि किसी, हम किस में प्रवेश कर रहे हैं जी, चर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डॉक्टर ऑलवेज ट्राइज टू फॉलो हर मदर्स एडवाइस, जो है डॉक्टर जो है टू हॉरिजन्स में, टू हॉरिजन्स चैप्टर में हमेशा से फॉलो करती थी अपने माँ के सलाह को। द गर्लफ्रेंड्स खाली है स्थान हैड नॉट रब्ड ऑन द नरेटर्स इन लव डिफाइल, तो क्या हो जाएगा, द गर्लफ्रेंड गुडनेस याद रखना, द गर्लफ्रेंड गुडनेस हैड नॉट रब्ड याद रखना। मुन्नी ब्लेम्ड हल्कू फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द, क्या हो जाएगा जी, क्रॉप, हल्कू को आरोपित करती है मुन्नी किसके लिए, फसल के नष्ट के लिए आरोपित मुन्नी किसको करती है, हल्कू को करती है, फसल के नष्ट के कारण किसको करती है आपको पता है। अगला देखिए, द लॉयर कंसीडर बोथ कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इंप्रिजमेंट, क्या दोनों को वकील क्या मानता था, इमोरल याद रखना, दोनों को माना था इमोरल, अनैतिक माना था कि सजा देना ये सब क्या है, दोनों जो है इमोरल है, ठीक है। द फ्लावर पॉट्स लुक लाइक, कैसा दिख रहा था जी, तो फ्लावर पॉट्स जो है लुक लाइक दिख रहा था, हाइट्स टॉपिक की तरह दिख रहा था, चैप्टर से लिया गया जिसका नाम है सन एंड मून, सन एंड मून से लिया गया है, और फ्लावर पॉट्स दिखता है हाइट्स टॉपिक की तरह दिखता है, ठीक है। अगला है देखिए, देर वाज खाली स्थान टू लुक आफ्टर सन एंड मून, तो देर वाज नो बडी, कोई देखभाल करने के लिए नहीं था सन मून के, क्योंकि सब पार्टी में जो है व्यस्त था, सब जो था पार्टी में व्यस्त था, इसलिए कोई भी सन मून को देखभाल करने के लिए नहीं था। द डॉक्टर हैड वर्क्ड हार्ड टू, है ना, क्या करने के लिए, फुलफिल ड्रीम, अपने पुत्री जो है टू ओरिजिन से लिया गया है, टू ओरिजिन से, ओरिजिन से लिया गया है, डॉक्टर जो थी वो कठिन परिश्रम की थी, क्या करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, मां की तरफ फुलफिलमेंट चाहती थी, तो ये हो गया ऑप्शन, याद रखना आपका ऑप्शन हो गया, इसमें आपको फुलफिल हर ड्रीम हो जाएगा। खाली स्थान आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलर्जी, कौन जो था जो सक्षम था एलर्जी उत्पन्न करने में, तो याद रखना एलर्जेंस है जो क्या है, सक्षम है एलर्जी को प्रोड्यूस करने में, एलर्जन है जो सक्षम है एलर्जी को प्रोड्यूस करने में। जबरा गेव लाउड बार कैन रन टुवर्ड्स द खाली स्थान, तो क्या हो जाएगा, फील्ड की तरफ गया ना भोगते हुए, जबरा कहां गया था, किस फील्ड की तरफ भोगते हुए कहां गया था, फील्ड की तरफ गया था, जबरा जो है भोगते हुए कहां जाता है जी, फील्ड की तरफ जाता है, ठीक है। डॉक्टर राणा एसपी सिंह हैज रिटन नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन, किसके बारे में, हेल्थ केयर के, देखिए अभी हाल में पढ़ाया है मैंने न्यू टेंथ क्लास के बच्चों को, उसमें से 40% क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन तो आपको दिया हुआ था सब्जेक्टिव में, 2-2 नंबर वाला में, और ऑब्जेक्टिव में देखिए कि मैंने पढ़ाया है अभी पेस फॉर लिविंग, और दूसरा पढ़ाया है आपको जो है मी एनिकोलॉजी बिट, उससे पूछा है, और ट्री में गॉड मेड द कंट्री पढ़ाए हैं, और उसके बाद जो ओड ऑन सॉलिट्यूड पढ़ाया है, और उसके बाद जनवरी नाइट और एलर्जी पढ़ाया है, इसमें से कितना सारा क्वेश्चन आया हुआ है देख लीजिए आप, 40% तो मैंने नया टेंथ वाला पढ़ाया उससे क्वेश्चन आया है, पुराना टेंथ वाला के 2-3 बार मैंने रिविजन करा दिया था कोर्स खत्म करके, तो देख सकते हैं कितना सारा क्वेश्चन, न्यू टेंथ के बच्चे जुड़े होंगे वो भी देख सकते हैं कि कितना सारा क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए अभी उससे भी पूछा गया है आपको ऑब्जेक्टिव में। चलिए अगला देखिए, द ओल्ड बैंकर हैड गिवन द पार्टी, कितना साल पहले पार्टी दिया था जी, तो 15 साल पहले पार्टी दिया था याद रखना, जो बूढ़ा साहूकार जो था 15 साल पहले पार्टी दिया था, ये बेट चैप्टर से लिया गया, द बेट से, एंटन चिकोव लिखे हैं, द बेट से लिया गया है। अगला है मिस्टर जेसलर वाज, जेसलर क्या था, तो आपको पता होगा कि जर्मन शू मेकर था, जेसलर जो था जर्मन शू मेकर था, लंदन में जाकर बस गया था, जर्मन शू मेकर था और लंदन में जाकर बस गया था, जेसलर जो थे
वो जर्मन शूमेकर थे और लंदन में जाकर बस गए थे, ठीक है। अगला देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम। अब आ गया ग्रामर से, उतना बुक से, सारा क्वेश्चन बुक से था। तो नोटोरियस, नोटोरियस जो होता है उसको हम कहेंगे, एक तरह से कह सकते हैं नोटोरियस मतलब प्रचलित होता है, नोटोरियस का अर्थ होता है प्रचलित, है ना। तो फेमस हो जाएगा, याद रखना, ज्यादा जो नोटोरियस होता है प्रचलित होता है, तो इसका हो जाएगा एंटोनियम फेमस। नोटोरियस का एंटोनियम क्या हो जाएगा जी, फेमस हो जाएगा, ठीक है। नोटोरियस का एंटोनियम हो जाएगा आपको फेमस। अगला है मॉडर्न का एंटोनियम, उल्टा पूछ रहा है, तो मॉडर्न का हो जाएगा एंशियंट, मॉडर्न का क्या हो जाएगा एंशियंट, आज नवीन के हो जाएगा प्राचीन, मॉडर्न मतलब होता है नवीन, तो नवीन क्या हो गया प्राचीन, याद रखिए। चल नेक्स्ट पर चढ़ते हैं। सिनोनिम, आस मतलब पूछना या कहना होता, आस का अर्थ होता है कहना या पूछना, तो इसका क्या हो जाएगा जी, क्वेरी हो जाएगा, आस का अर्थ हो जाएगा क्वेरी, याद रखना, आस का अर्थ हो जाएगा क्वेरी, मतलब क्वेरी का अर्थ भी होता है पूछताछ करना, पूछना होता क्वेरी, ठीक है। करेक्ट सिनोनिम, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना होता है, संभावना, तो इसका हो जाएगा आपको चांस हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा चांस, ठीक है। अगला है अतुल एग्रीड, खाली स्थान माय सजेशन, तो अतुल एग्रीड है ना, एग्री के साथ अगर किसी व्यक्ति से होते तब तो बीत होता है, किसी व्यक्ति से नहीं तो क्या हो जाएगा एग्री टू हो जाएगा, याद रखना एग्री टू। प्रिंसिपल इज नॉन, अब नॉन के साथ जो है आपको याद रखना, प्रिंसिपल इज नॉन, प्रिंसिपल इज नॉन टू मी हो जाएगा, नॉन के साथ जो होता है लगता है टू, नॉन टू। सरप्राइज एट, सरप्राइज्ड एट, लुक एट, तो इसमें नो के साथ टू लग जाएगा, स्पेशल प्रीपोजिशन लगता है। माय हाउस इज द रोड, तो मेरा घर जो है क्या है, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस के मतलब उस पार, उस पार, याद रखना उस पार होता है, एक छोर से दूसरे छोर, एक छोर से दूसरे छोर, तो ये सड़क है, सड़क के इस पार मेरा क्या है घर है, तो अक्रॉस हो जाएगा प्रीपोजिशन। द टीचर शाउटेड द टॉप ऑफ हर वॉइस, तो शाउटेड एट द टॉप ऑफ वॉइस होता है, शाउट के साथ एट लगता है, शाउटेड एट द टॉप ऑफ द वॉइस हो जाएगा, ठीक है। शी सेव्ड हिम, उसे बचा लिया फॉलिंग डाउन, नीचे गिरने से, तो सेव्ड हिम फ्रॉम फॉलिंग डाउन, याद रखना फ्रॉम प्रीपोजिशन लग जाएगा। अगला है द गेस्ट वेर इन्वाइटेड, इन्वाइटेड के क्या हो जाएगा, तो इन्वाइटेड के साथ हो जाता है टू लंच, इन्वाइट के साथ प्रीपोजिशन लगता है टू, याद रखना। मोस्ट पीपुल आर अफ्रेड, अफ्रेड जो होता है भयभीत है ना, तो घोष भूत से, तो ऑफ लगता है, अफ्रेड के साथ लगता है ऑफ, याद रखना स्पेशल प्रीपोजिशन है। मैं दौड़ना जानती हूं, तो आई नो हाउ टू रन हो जाएगा, आई नो हाउ टू रन, ये आपका ठीक है, आई नो हाउ टू रन, आई नो हाउ टू रन। रमेश जगदीश का भाई है, रमेश जो है क्या है जी, जगदीश का भाई है, रमेश जो है जगदीश का भाई है, तो रमेश ये जगदीश ब्रदर, ये हो जाएगा, ये नहीं गलत है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, रमेश ये जगदीश ब्रदर। भारत में प्रजातंत्र है, तो इसका बनेगा देर इज डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये गलत ऑप्शन है जो भी बनाए हैं, देर इज डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में प्रजातंत्र है, देर इज डेमोक्रेसी इन इंडिया। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है दिया हुआ। डायरेक्ट स्पीच है, खोजना है हमको डायरेक्ट स्पीच, क्या लिखा, सी एस क्लामेट विथ डिलाइट दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉयस, अब इसका डायरेक्ट, तो सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉयस,
अब दिया हुआ कौन कौन से ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन देख लेते हैं। तो एस्कलेमेट है ना, तो पहला सीसेड व्हाट ए ब्यूटीफुल वॉइस, तब हो जाएगा व्हाट के जगह पर वेरी आ जाएगा। अगर एडजेक्टिव है तो इसको हटाने के लिए वेरी का प्रयोग करते हैं। सुरेश आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिज किड, इसका भी डायरेक्टिव पूछ रहा है, तो सुरेश सेड टू मी हो जाएगा, हैव यू सीन माय की हो जाएगा। ए आपका सही है क्वेश्चन, ए आपका बी वाला आपका आंसर सही है, सुरेश सेड हैव यू सीन माय की। चलिए उसके बाद देखिए अगला है क्वेश्चन, सुमिता अस्मिता आस्क्ड कविता व्हाट शी वाज डूइंग देयर, इसको भी डायरेक्टिव पूछ रहा था, अस्मिता से टू कविता हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग देयर, तो हेयर हो जाएगा ना, तो पहला आपको सही है, अस्मिता से टू कविता व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तब हेयर बदल जाएगा देयर में इनडायरेक्ट में, और आर है तो यू के अनुसार हो जाएगा व्हाट सी हो जाएगा, कविता है तो सी वाज डूइंग हो जाएगा, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच। रमेश सेड टू मी थैंक यू, तो रमेश क्या करता है, मुझे धन्यवाद देता है, रमेश क्या हो जाएगा थैंक्ड मी, रमेश क्या हो जाएगा थैंक मी, थैंक यू को बना देते हैं सीधे थैंक्ड मी में। अगला है छोटू सेड टू विशाल वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने तो एडवाइस करेगा, तो छोटू क्या हो जाएगा एडवाइस विशाल हो जाएगा, देखते हैं दिया हुआ एडवाइस, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, छोटू एडवाइस विशाल टू वर्क हार्ड, है ना, कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा जी आपको इसी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है ही सेड टू बीना आर यू टायर्ड, तो ही आस्क्ड बीना हो जाएगा, है ना, वेदर सी वाज टायर्ड, वेदर सी वाज टायर्ड, या इफ आर यू टायर्ड है, आस्क्ड है, लिखा हुआ क्या हमारा है सेड है या आस्क्ड है, सेड टू है तो उसको बदलेगा तो आस्क्ड में बदल जाएगा, तो ही है ना यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, ही आस्क्ड बिना वेदर, इफ या वेदर लगता है, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं यस नो क्वेश्चन में, यस नो क्वेश्चन में, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि दूसरा भी सेट है उसके बताना सेकंड सीटिंग का। अगला देखिए एक्टिव वॉइस आई वाज गिवन दिस गिफ्ट बाय उमा, तो उमा गेव दिस गिफ्ट हो जाएगा ना, यहां पर क्या हो जाएगा उमा गेव मी दिस गिफ्ट हो जाएगा, ये तब हो जाएगा इसका बाद में, क्योंकि भिट्टू है तो बाद में बदल जाता है, बाद या वेयर में बदल जाता है। द एनवायरमेंट हैज टू बी सेव्ड बाय पीपल, इसको एक्टिव पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपको हैज टू बी लगा हुआ ना, तो पीपल हैव टू सेव द एनवायरमेंट हो जाएगा, पीपल हैव टू सेव द एनवायरमेंट हो जाएगा, पीपल हैव टू सेव द एनवायरमेंट, ठीक है। People have to save the environment. Next पर चलते हैं। A surgeon should see him. तो passive verb बनाना है। See should be him है ना, तो he should be seen by a surgeon. ये हो जाएगा आपका। ये वाला option. He should be seen by a surgeon. When do you drink coffee? अब इसका है passive बनाना है। तो देखते हैं कौन-कौन से ऐसे option है। Do you है ना? तो when is coffee drunk by you, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, बी हो जाएगा when is coffee drunk by you। अगला देखिए chicken is to be eaten by सूची, तो is to be है, तो सूची is to eat chicken हो जाएगा, याद रखना तब होगा is to be eaten, यहां पर ध्यान दीजिए सूची is to eat chicken हो जाएगा, सूची is to eat chicken, ठीक है। अगला है कि सिन्हा लाइक्स हिज सबॉर्डिनेट टू फ्लैटर हिम, तो क्या हो जाएगा सिन्हा लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड बाय हिज सबॉर्डिनेट्स, लाइक टू बी फ्लैटर्ड, याद रखना ये हो जाएगा आपका सिन्हा लाइक्स टू फ्लैटर्ड बाय हिज सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। चलिए अगला पर चलते हैं हम लोग, इसमें हम लोग को देखना है कंसर्ट का, तो कंसर्ट का आपको ए ऑप्शन सही है कंसर्ट, है ना,
जिसमें महफिल में जाते हैं, कोई होता है गान बजान के काम तो कंसर्ट कहते हैं उसको। सस्पिशन है तो सस्पिशन में आपको SUSPICION ये बी ऑप्शन होगा सस्पिशन का। उसके बाद है एबंडेंट है, एबंडेंट का आपका हो जाएगा ए डी ऑप्शन, ABUNDNT एबंडेंट मतलब त्यागना होता है, याद रखना। अगला है डिस्प्यूस, है ना, क्या लिखा है डिस्पाइस, ये हो जाएगा डिस्पाइस के बावजूद, याद रखना। हॉर्स तो हॉर्स के क्या है, हॉरस, याद रखना कर्कश होता है, तो ये हो जाएगा आपका हॉरस का। इमोरलिटी है तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, इमोरलिटी का, इमोरलिटी का हो जाएगा डी ऑप्शन। सी खाली स्थान, हर नाइटिंग बिफोर रिस्ट हर हाउस, तो क्या हो जाएगा, तो सी बाज नाइटिंग है तो है नहीं दिया हुआ है, तो सी विल नाइटिंग, सी कैन नाइटिंग, तो सी हैड कंप्लीटेड हर नाइटिंग, याद रखना। बिफोर लगा तो बिफोर से पहले पास परफेक्ट आता है, हैड हो जाएगा। रमेश एंड राधा तो इसमें हो जाएगा आर हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, रमेश और राधा, याद रखना। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ रहता है तो सब्जेक्ट प्लुरल, तो भर भी प्लुरल, आर हो जाएगा। सुमन खाली स्थान, नो द आंसर, तो याद रखिए सुमन कैन नो द आंसर, सुमन कुड नो द आंसर, सुमन हैज नोन, तो ये तो होगा नहीं, हैज के बाद नो नहीं आता है, कैन के बाद भीमन आता है, कुड के बाद आता है, आउट टू के बाद भीमन आता है, तो सुमन को जानना चाहिए, आउट टू हो जाएगा। लॉर्ड्स ऑफ फ्रूट्स, लॉर्ड्स ऑफ फ्रूट्स नीडेड फॉर द फंक्शन, तो लॉर्ड्स ऑफ फ्रूट्स याद रखना, हैज नीडेड होगा, इज नीडेड हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा इज नीडेड, ढेर सारा फल को, इज नीडेड फॉर द फंक्शन। ईच ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स, ईच ऑफ लग जाता है तो हैज बीन हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, याद रखना। उसके बाद है ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल एंड वाटर वाला है डू नॉट मिक्स होता है, ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ध्यान दीजिएगा, और ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स खाली स्थान एब्सेंट, तो आर एब्सेंट, द रेस्ट ऑफ बाकी विद्यार्थी सब अनुपस्थित हैं, तो आर एब्सेंट, ये हो गया आपका फर्स्ट सीटिंग का। चलिए अब इसके बाद जो है सेकंड सीटिंग का भी मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, पैसेज यूसेज बाद में होगा, आपको सेकंड सीटिंग का भी बता दे रहा हूं। सेकंड सीटिंग में चलिए उसका ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए, जिसका सेकंड सीटिंग था ये है आपका सेकंड सीटिंग का, सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, सेकेंड सीटिंग का है आपका, मिला लीजिए। करे वाइल द एडल्ट्स वेयर बिजी खाली स्थान, द लिटिल गर्ल्स वेयर प्लेइंग, तो एडल्ट्स किसमें बिजी थे, फाइटिंग में, है ना, जब वो लोग किसमें बिजी थे, फाइटिंग में, लड़ने में, झगड़ने में, तो लड़कियां जो थी मलासर और कुल्लिया वो लोग खेलने में व्यस्त थी, ये लिया गया है आपको लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन से। अगला है ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सिविलाइज्ड पीपल हैव अचीव्ड, याद रखिएगा किसको, कल्चर को प्राप्त कर पाए, ए इंडियन, ये आपका यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर से लिया गया, लास्ट में ही कहा गया है, दूसरा पेज में दिया हुआ है, ठीक है। अगला है द ओल्ड वेमेन वाज विजिटेड बाई यंग पीपल टू, क्या करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, इंसल्ट हर उसे अपमानित करने के लिए, वंस अपॉन टाइम में कुछ युवा लोग आते हैं उस बुढ़ी औरत के जो अंधी थी उसको इंसल्ट अपमानित करने के लिए, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, बी स्लो थिंकर्स अकॉर्डिंग टू हचिंसन आर ट्रेवली हैंडीकैप्ट हो जाएगा, अपंग है, भयानक रूप से हम लोग क्या है, अपंग है, याद रखना, भयानक रूप से हम लोग क्या है जी, अपंग है, किसमें, मंद विचारक लोग भयानक रूप से अपंग है अपने जीविका चलाने में। अगला है धरती के लाल है जे वेरी स्ट्रांग सिंपल, क्या हो जाएगा, पुट ओवर बीट स्टाइल, तो क्या हो जाएगा, सिंपल थीम पर बना हुआ है, स्टोरी नहीं होगा, सिंपल थीम पर बना हुआ है, बहुत ही उसका विषय वस्तु आसान, धरती के लाल, याद रखना।
सिंपल थीम हो जाएगा। स्नोमोबाइल कंज्यूम लॉट ऑफ, स्नोमोबाइल क्या लॉट ऑफ पावर कंज्यूम करता है, वाटर नहीं, नहीं याद रखना, ढेर सारा ऊर्जा की जरूरत होता है स्नोमोबाइल चलाने में। और जोन लक्साव चलाते थे स्नोमोबाइल ठंडा के दिन में, और मोटरबाइक चलाते थे अपना गर्मी के दिन में। हचिंसन सेड दैट व्हेन ही गोज टू द सिनेमा ही फाइंड हिमसेल्फ इन ए होपलेस फॉग। अपने आपको किसमें प्राप्त करते थे, होपलेस फॉग में, ठीक है। अगला है आंग सान सू की एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर ऑल द, क्या हो जाएगा, पीपुल ऑफ बर्मा, सारे बर्मा के लोगों के हित में ही प्राप्त किया था नोबेल पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा अप्लाइड, क्या लगाया था गिल्लू के जख्मों पर, तो पेनिसिलिन मलहम लगाया था। महादेवी वर्मा ने कौन सा मलहम लगाया था जी, पेनिसिलिन मलहम लगाया था। वंस अपॉन ए टाइम शोज दैट क्या दर्शाता है, शुड बी वाइब्रेंट, तो क्या होना चाहिए, लैंग्वेज शुड बी वाइब्रेंट होना चाहिए, भाषा जीवंत होना चाहिए। वंस अपॉन टाइम में बताया गया कि भाषा कैसा होना चाहिए, जीवंत होना चाहिए। अगला है द सिनेमा इज आवर एज मोस्ट पोटेंट एंड, क्या हो जाएगा, वर्सटाइल आर्ट फॉर्म था, बहुत बहुमुखी का कला का रूप था, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमुखी कला का रूप था, वर्सटाइल हो जाएगा। अगला है एक्सेप्ट महादेवी वर्मा एवरी वर्ड वाज श्योर दैट, महादेवी वर्मा को छोड़कर सब कोई क्या था, सुनिश्चित कर लिया था कि गिल्लू अब बचेगा नहीं, तो सर्वाइव हो जाएगा, गिल्लू वुड नॉट सर्वाइव। जिस हालात में वो था, जख्मी लहूलुहान था, तो महादेवी वर्मा के छोड़ के सबके राय था कि गिल्लू को छोड़ देना चाहिए ऐसे ही, क्योंकि गिल्लू बचने उचने वाला नहीं है, बहुत चोच मार के कौओं ने क्या कर दिया था, जख्मी कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बर्मी पीपुल क्राब फॉर, बर्मी पीपुल किसके लिए लड़ रहे थे, तो याद रखिए डेमोक्रेसी के लिए, क्रैप फॉर किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। मलासा वाज वेरी खाली एंड सो शी वांटेड टू रिटर्न होम क्विकली, तो मलासा क्या थी, बहुत ही डरी हुई थी, जब मलासा ने कुलिया के फ्राक का और नाक मुंह गंदा कर दी थी उस कीचड़ में, तो डरी हुई थी कि कुलिया मुझे मारेगी, इसीलिए वो जल्दी लौट जाना चाहती थी। पोएट्री म्यूजिक एक्शन ऑल टुगेदर कंबाइन एंड मेक क्या बनाता है, आपको सिनेमा बनाता है, सब मिलकर क्या बनता है, पोएट्री रहता है, म्यूजिक रहता है, एक्शन मिलकर सब मिलकर क्या बनाता है, सिनेमा को बनाता है। जिम वाज वेरी एंग्री विथ, जिम किससे एंग्री थे, फॉर बर्निंग लिप्स, तो याद रखना विलियम से, विलियम से क्रोधित हो गए थे क्योंकि पतियों को विलियम जला रहा था अपने घर के पीछे वाले भाग में, है ना। वाटर रैन स्ट्रीम डाउन द, कहां से पानी टहलते हुए आता है, स्ट्रीट अकॉर्डिंग टू लियो टॉलस्टॉय, तो वाटर जो पानी जो हो रहा था वो विलेज में, रन डाउन द विलेज स्ट्रीट, गांव की गलियों में चला गया था, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन में था, याद रखना। हु वाज द रिसिपिएंट ऑफ नेशनल अवार्ड फॉर फिल्म्स, कौन थे, तो आपको सत्यजीत रे थे, नेशनल अवार्ड फिल्म में प्राप्त किया था सत्यजीत रे, और व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म से लिया गया है। अगला है द खालिस्तान मॉन्क्स हैव बीन बीटन ह्यूमिलेटेड, तो कौन मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क, याद रखना बुद्धिस्ट मॉन्क्स, कौन मॉन्क्स जी, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। चलिए आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे इंडियन फिल्म शुड बी मोर, क्या होना चाहिए, तो मोर रियलिस्टिक होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें वास्तविकता होना चाहिए, तभी भारतीय फिल्म को विदेशों में भी प्रशंसा मिलेगा। द ओल्ड वुमेन्स रिपुटेशन फॉर इज विदाउट पियर, रिपुटेशन किसके लिए था, विजडम के लिए, उसकी बुद्धिमता के लिए था, बिना किसी ताक झांक के था, याद रखना बिना किसी ताक झांक के था। विदाउट नोइंग द रीजन द मदर स्टार्टेड, क्या हो जाएगा, क्राइंग के स्पीकिंग की सिंगिंग की क्वारलिंग, झगड़ा करना शुरू कर दी थी मलासा के माँ बिना कारण जानते हुए। पॉटर हैज ए वेरी क्या हो जाएगा, डल माइंड था, बहुत ही सुस्त माइंड हो गया था, क्योंकि बहुत ही दिनों से नहाया नहीं था, पसीना बह रहा था, कंकाल की तरह शरीर था, और ये चैप्टर का नाम है स्लीपिंग पॉटर, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए अगला पर चलते हैं, द ओनली माइंड्स लाइक योर कैन डू नो हार्म, कहां से लिया गया है, तो आपको गॉड मेड द कंट्री से लिया गया है ना, विलियम कॉपर ने लिखा है उससे लिया गया है। हुज खाली स्थान सप्लाई विद अटायर, तो कौन उसे वस्त्र देता है, तो याद रखना कि फ्लॉक्स से उसे वस्त्र मिलता था, ये भी ओड ऑन सॉलिट्यूड से दिया गया, ओड ऑन सॉलिट्यूड चैप्टर से लिया गया, सॉलिट्यूड से लिया गया है। हैप्पी मैन को मिलता है, खुशहाल व्यक्ति को फ्लॉक्स से ही वस्त्र मिलता है। ए हैज बीन कार्व बाय राधा टीयर्स, तो रिवर हो गया था, राधा के आंसुओं से क्या बन गया था जी, नदी का रूप ले लिया था।
व्हेनेवर देयर इज वार्मथ इन ए रिलेशनशिप, खाली स्थान ऑटोमेटिकली वैनिश, तो क्या हो जाएगा, तो वेयर व्हेनेवर देयर इज वार्मथ इन ए रिलेशनशिप है ना, ऑटोमेटिकली वैनिश क्या होता है, वो हट होता है कि केयर ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है कि लव अफेक्शन हो जाता है, वार्थ गर्माहट होता है तो लव ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है कि अफेक्शन हो जाता है, तो इसको हमारे समझ से गर्माहट होने पर क्या हो जाता है, दुख जो है, हमें क्वेश्चन पर डाउट इसलिए घेर दे रहा हूं, आप देख लीजिए पता नहीं कहां से दे दिया है, द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम इज मैड फ्रॉम, लिया गया किससे, एम्प्टी हार्ट से लिया गया, ये से नहीं लिया गया है, एम्प्टी हार्ट से लिया गया क्योंकि उसमें एक आदमी था अमीर लेकिन उसके अंदर में और अमीरियत भरने के लिए लालच बढ़ गया था, कोयल इज रेस्टलेस बिकॉज इट इज सेपरेटेड फ्रॉम, इससे जुदा हो गया था अपने प्रेमिका से, लव बिलव्ड से, याद रखना, द रिच मैन प्रेड कंटिन्यूअसली टू, किससे किया था, वी सेल्डिंग ट्रीज से, याद रखना, इच्छा प्रदान करने वाला वृक्ष के पास लगातार प्रार्थना कर रहा था, एक सोने से भरा हुआ घड़ा मांग रहा था, वेन बर्न्ड जब जलाया जाता है, स्क्यूर से पर्नेंट स्मेल, तो किसको, पोलिथीन को जब जलाते हैं तो जहरीला गंध देता है, याद रखना इस बात को, राधा हैज लॉस्ट क्वाइट ए लॉट ऑफ है ना, खाली ड्यू टू कृष्णा, फ्रॉम कृष्णा दिया गया आइसोलेशन, तो क्या लॉस कर दिया था, वेल्थ उसको क्या हो गया था, समाज स्वास्थ्य खो दिया था, राधा जो है अपना स्वास्थ्य खो दी थी कृष्णा के, किससे, आइसोलेशन जब दूर हुई थी, कृष्णा से दूर हुई थी, बिछुड़ी थी, तो राधा ने अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लिया था, दम दुबला हो गया था, चांद के आंशिक रूप से पतला हो गई थी, द साइट ऑफ क्या हो जाएगा, मैनगोज ब्लोजम फायर्स द कोयल, जलाता है कौन, किसका दृश्य, आम के खिला हुआ मंजर जो है लगा हुआ कोयल को और अधिक क्या करता है, जलाता है उसे, और अधिक ईर्ष्या पैदा करता है क्योंकि उसी आम के मंजर वाला पर बैठ कर कोयल और कोयलिया दोनों गा रही थी आत्मनिर्भर होकर, लेकिन एक का ठनका गिरने से मृत्यु हो जाता है, इसी के चलते बता रहा है इस चीज को, ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, द हैप्पी मैन इज, याद खुशहाल व्यक्ति क्या है, कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर हो जाएगा, सेवन पिक्चर्स ऑफ गोल्ड बाय गिवन टू द हैप्पी मैन, कितने दिया गया था, तो सेवन दिया गया था, याद रखना, सात को भरा हुआ दिया था, आठवां आधा खाली दे दिया था लालच को उसको खत्म करने के लिए, द पोर्टर्स बॉडी उसका शरीर कैसा था, फ्रेल था, दम बिल्कुल कंकाल के तरह था है ना, फ्रेल था दम बिल्कुल, जिसमें मासी नहीं था, बिल्कुल जर्जर स्थिति में था वो, ऑन हियरिंग मार्थास द चिल्ड्रन वेयर ट्रांसपोर्टेड टू ड्रीमलैंड, मार्था के क्या स्टोरी को, मार्था के कहानी सुनने के बाद बच्चे जो है स्वप्न के दुनिया में चले जाते हैं, राधा फ्रेंड बिलीव दैट, राधा को विश्वास था दोस्तों को कि कृष्णा द्वारा वापस चले आएंगे, कृष्णा द्वारा वापस चले आएंगे राधा के पास, आगे है द खाली स्थान ऑफ लव है चेड माई विंग्स, मेरे पंख को जना दिया, तो क्या हो जाएगा, द फायर ऑफ लव, याद रखना प्यार की आग में उसके पंख जला दिया था, किसमें लिया था, कोयल से लिया था, लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट, लॉर्ड कृष्ण नहीं मिले थे किससे, राधा से, याद रखना, फॉर सम टाइम कुछ दिनों से किससे नहीं मिले थे, तो राधा से, द हाई पिच स्टैंड ऑफ द कोयल वेक्स द पोएट सॉल, क्या हो जाएगा, थाउजेंड क्या मेमोरीज को, याद रखना कोयल की उच्च तान ने कवि के हृदय में हजारों स्मृतियों को जगा दिया था, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वोमैन द यंग मिस्टर वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, मौकरी, जिम्मेवार किसके लिए थे, मजाक करने के लिए जिम्मेवार थे, उस बूढ़ी औरत से मजाक कर रहे थे युवा लोग, इसीलिए के लिए, याद रखना, हु रोट पॉलिथिन बैग, तो दुर्गा प्रसाद पांडा ने लिखा पॉलिथिन बैग, दुर्गा प्रसाद पांडा, अगला है हल्कू सेड दैट ही विल हैव टू पुट अप विद द लैंडलॉर्ड्स, क्या हो जाएगा, एब्यूज, उसके गाली खाने पड़ेगा है ना, बेइज्जती खाने पड़ेगा, अगला है स्मोकिंग एंड क्या हो जाएगा, पोल्यूशन, स्मोकिंग और पोल्यूशन जो है एड टू द रिस्क ऑफ कैचिंग एलर्जी, ठीक है, नेक्स्ट है ग्लास वर्दी ऑफ इंड्यूस विद, किससे जुड़े हुए थे जॉन्स ग्लास वर्दी, तो ग्रीवेंस इन हिज वर्क्स, तो क्या सोशल ग्रीवेंस की, मॉरल ग्रीवेंस की, पब्लिक ग्रीवेंस, तो सोशल ग्रीवेंस सामाजिक ग्रीवेंस से जुड़े हुए थे, पीड़ा से कष्ट से जुड़े हुए, द ऑथर ऑफ द सन एंड मून, तो सन मून के कैथरीन मैन्सफील्ड है, ये क्या है, कैथरीन मैन्सफील्ड है, ठीक है, अगला देखते हैं,
ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज मिस्टर जेसलर नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू क्या करने के लिए, खाने के लिए समय नहीं दिया था तभी तो मर गया था भूख से, खाने के लिए समय नहीं दिया तभी तो मर गया था भूख से। डॉक्टर वेरी मच एडमायर्ड हर मदर्स एंडिमनिस्ट, क्या हो जाएगा इंथ्यूजम, याद रखना माँ के अंदर में कभी ना समाप्त होने वाला जो उत्साह था उसके हमेशा पुत्री क्या करती थी, प्रशंसा करती थी, हमेशा पुत्री जो है उसको प्रशंसा करती थी। चलिए अगला देखते हैं। हल्को हैड रैप्ड हिमसेल्फ इन ए, क्या हो जाएगा ओल्ड सॉल हो जाएगा, ओल्ड सॉल्ट में लपेट लिया था खुद को, है ना। द लेडीज इन द पार्टी कॉल्ड सन एंड मून, द क्या इसमें था, लैम्स एंड टाइगर्स था कि डक्स एंड लैम्स था कि डक्स एंड स्पैरो था कि हेंस एंड डक्स था, उसमें बनाया हुआ था लैम्स एंड टाइगर्स था कि डक्स एंड स्पैरो था। द लेडीज इन द पार्टी कॉल्ड सन एंड मून, द क्या कहा था उसे, डक्स एंड स्पैरो कहा था कि हेंस एंड डक्स कहा था, लैम्स एंड टाइगर्स कहा था, याद रखना ये है ना, ये तो कंफ्यूजन वाला है क्वेश्चन। मुन्नी एडवाइज हल्कू टू गिव अप, मुन्नी ने क्या किया था, गिव अप टेनेंट फार्मिंग हो जाएगा, याद रखना टेनेंट फार्मिंग को खत्म करने के लिए। बिग फार्म्स गोट देयर बिजनेस थ्रू, किसके द्वारा ले लेता था, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। द लॉयर्स सफर ट्रेवली फ्रॉम, किससे ग्रसित था इन हिज फर्स्ट ईयर, तो याद रखना लोनलीनेस से, अकेलापन से ज्यादा ग्रसित हो गया था, बेड चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। विथ एवरी स्टेप हल्कू हेड सैंक लोअर अंडर द, क्या हो जाएगा, बर्डन बोझ से, गरीबी से दबा हुआ था हल्कू का कदम जब देने जा रहा था 3 रुपया पैसा, ठीक है, जब 3 रुपया पैसा कर चुकाने जा रहा था जमींदार को। तो द डीपर द मेजर्स ऑफ द अनफुलफिलमेंट द क्लोजर टू यू विल बी योर फुलफिल्ड, कहां से लिया गया, टू हॉरिजन से लिया गया, दो क्षितिज से, मां बोली थी कि जितना ही तुम्हारे पूर्णता की गहराई दूर होगा उतना ही तुम अपने पूर्णता के नजदीक प्राप्त करोगे। Agreed, you stake 2 million साई फ्रीडम, कहां से लिया गया, तो ये चैप्टर आपको बेड से लिया गया है, ये चैप्टर जो है बेड से लिया गया है। 5 minutes passed and the prisoner never once astride, कहां से लिया गया, तो ये भी बैठी से लिया गया, 5 मिनट होने के बाद भी टस से मस नहीं हुआ था कैदी, जो वकील था कैदी के रूप में। Who wrote to the bay and the fly, कौन लिखा था, याद रखना तो इसको लिखने वाला है टू द बे एंड फ्लाई, जो लिखने वाला है इसमें हमें कंफ्यूजन है इसलिए आप थोड़ा देख लेना इसको, बे एंड फ्लाई वाला में याद रखना कौन लिखे थे, बिना पानी मोहंती लिखा था कि कैथरीन मैनफील्ड लिखे थे। अगला है इलीगल का, हमको एंटोनियम चुनना है तो क्या हो जाएगा, लाफुल हो जाएगा, इलीगल मतलब गैर कानूनी होता, गैर कानूनी, तो लाफुल मतलब हो जाएगा कानूनी, याद रखना ये हो जाएगा। अगला है नॉइजी के, क्या हो जाएगा, नॉइजी का एंटोनियम चुनना है तो नॉइजी का एंटोनियम सोरिल्ला के क्या हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा, याद रखना QUIT क्वाइट हो जाएगा, नॉइजी का क्या हो जाएगा, तो नॉइजी का हो जाएगा आपको क्वाइट। साइनोनिम चुनना है, क्वेश्चन का साइनोनिम क्या हो जाएगा, इंक्वायरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्वायरी, क्वेश्चन का साइनोनिम इंक्वायरी हो जाएगा, लेटर नहीं होगा, गलती मारा हुआ है, लेटर नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए लिबर्टी है, लिबर्टी मतलब आजादी होता है, इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, तो फ्रीडम हो जाएगा, लिबर्टी के क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा। अगला देखिए माय पेरेंट्स आर हैप्पी है ना, तो विथ मी हो जाएगा, बाय मी नहीं होगा, हैप्पी फॉर मी होगा, मेरे लिए खुश है कि विथ मी मेरे साथ खुश है, याद रखना। द गर्ल जम्प्ड कूद गया, तो इंटू हो जाएगा, जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाता है गति में तो गति वाला में इंटू का प्रयोग करते हैं। गुड हेल्थ डिपेंड्स, स्वास्थ्य करता है प्रॉपर डाइट, डिपेंड्स ऑन होता है, डिपेंड्स ऑन होता है, गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन प्रॉपर डाइट, सही खाना खाइएगा तभी स्वास्थ्य रहेगा सही। डोंट फॉल है ना, तो डोंट फॉल, फॉल के साथ हो जाएगा बैड कंपनी, तो क्या हो जाएगा into bad company है ना, don't fall off bad company नहीं होगा, into bad company कहता है कि बुरे संगति में मत पड़ो। patient recovered किया है, recovered किया किससे, major illness से, तो recovered from लगता है, याद रखना recovered from हो जाएगा। the thief was caught है ना,
पुलिस, तो क्या आ जाएगा, बाय लगेगा, पैसिव वॉइस में है, किसके द्वारा चोर को पकड़ा गया, तो पुलिस के द्वारा। सुमिता केम खाली स्थान, कब कोची से आई सुमिता, तो ट्रेन से आई, तो बाय लग जाएगा, यातायात के साधन के माध्यम में बाय लगाते हैं। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, तो इसमें हो जाएगा आपको स्टडी रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, स्टडी क्या हो जाएगा आपको, रिलीजियस बुक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, मेरे गांव में एक मंदिर है तो देर से शुरू कर रहा, देर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका, है ना, देर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। एकता में बल है, तो क्या हो जाएगा, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, देर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी हो जाएगा, स्ट्रेंथ इन यूनिटी नहीं होगा, देर इज अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, याद रखना। डायरेक्ट स्पीच है, फादर फॉरवर्ड हिज डाउटर टू गो आउट, फॉरवर्ड किया है तो फॉरवर्ड सेड टू हिज डाउटर डोंट गो आउट, ये हो जाएगा आपका, मना किया है ना जी, इंपरेटिव डोंट गो आउट हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच है, समीर इज क्लाइम्ड विद डिलाइट दैट इट वाज अ वेरी नाइस ड्रामा, तो क्या हो जाएगा, समीर सेड हो जाएगा, व्हाट ए नाइस ड्रामा इट इज, समीर सेड व्हाट ए नाइस ड्रामा इट इज। डायरेक्ट स्पीच कर रहा, सुनैना रिक्वेस्टेड रोहन टू पुट अप ए शॉल ऑन हर, तो सुनैना सेड टू रोहन प्लीज पुट ए शॉल ऑन मी हो जाएगा, ये हो जाएगा, तब ना प्लीज वाला बनेगा रिक्वेस्टेड में आपका, ये हो जाएगा सुनैना वाला, ठीक है। आई सेड टू हिम आर यू गोइंग आउट, मैंने उससे कहा क्या तुम जा रहे हो, तो इसका इनडायरेक्ट पूछ रहा है, तो आस्क में बदल जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग आउट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपको, एक सेकंड में बना दे रहा, देखते के साथ में। तृप्ति सेट, उमा आर यू फीलिंग वेल नाउ, तो तृप्ति आस्क्ड हो जाएगा, तृप्ति जो है आस्क्ड हो जाएगा, तृप्ति इंक्वायर्ड फ्रॉम उमा इफ सी इज फीलिंग नाउ नहीं होगा, तृप्ति आस्क्ड उमा इफ सी, वेदर वाला हो जाएगा, सी वाज फीलिंग वेल देन, नाउ के हो जाएगा देन, नाउ के बदलता है देन में, ये कहते हैं ओ डब्ल्यू एस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। द पैसेंजर सेड टू द ड्राइवर यू आर ड्राइविंग फास्ट, द पैसेंजर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा द ड्राइवर दैट ही वाज ड्राइविंग फास्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, द पैसेंजर टोल्ड ड्राइवर दैट ही वाज ड्राइविंग फास्ट। आगे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉलोइंग, द नॉवेल हैज बीन रीड बाय मी, तो क्या हो जाएगा, आई हैव रीड द नॉवेल, ये हो जाएगा आपको, आई हैव रीड द नॉवेल, आई हैव रीड द नॉवेल। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट करेक्शन इज डन बाय द टीचर, द टीचर है ना, क्या हो जाएगा, द टीचर डज द करेक्शन होगा, द टीचर डज द करेक्शन। रमेश हेल्प राजू, राजू वाज हेल्प बाय रमेश हो जाएगा जी, कहां दिया हुआ है, एक और ऑप्शन होगा, देखिए राजू वाज हेल्प बाय रमेश, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पैसिव वॉइस है। अगला है, सीमा इज टू डू इट, तो इट इज टू बी डन बाय सीमा हो जाएगा इसका, है ना, इट इज टू बी डन बाय सीमा। व्हाई हैज अनुराधा स्कोल्डेड यू, तो एक्टिव है पैसिव बनाना है, तो व्हाई हैव यू बीन स्कोल्डेड बाय अनुराधा, ये हो जाएगा आपका। यामिनी इज ड्राइविंग द जीप इज बीइंग ड्राइवन बाय यामिनी, द जीप इज बीइंग ड्राइवन बाय यामिनी। रैप्चर, तो रैप्चर पहला यही है, याद रखना सही, रैप्चर ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर है पेनिट्रेट, पेनिट्रेट तो यह हो जाएगा पेनिट्रेट, मतलब प्रवेश करना, घुसना होता है। रिकेज है, तो रिकेज का आपका हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन, रिकेज मतलब टूटा फूटा, क्षतिग्रस्त। इंटरप्शन, तो इंटरप्शन में आपको हो जाएगा ए ऑप्शन, इंटरप्शन मतलब टोकना रोकना होता है। कॉशियस, तो कॉशियस का आपका हो जाएगा सी ए यू टी आई ओ यू एस, ये हो जाएगा कॉशियस बी। ट्रेम्बल,
तो ट्रेम्बल का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, ट्रेम्बल मतलब कपकपाना। वी खाली स्थान कीप आवर प्रोमिसेज, तो वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस। एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी क्या हो जाएगा, वांट्स टू डांस एंड एंजॉय द पार्टी। द वुमेन ऑफ माई विलेज क्या हो जाएगा, मेरे गांव के महिलाएं क्या हैं, अशिक्षित हैं, तो आर इलिटरेट हो जाएगा। इच सर्वेंट क्या हो जाएगा, गेट्स ए मिल, गेट्स हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, इच के बाद आ रहा है तो सिंगुलर है। टू सिंग वेल खाली स्थान ग्रेट स्किल, टू सिंग वेल मे रिक्वायर ग्रेट स्किल हो जाएगा, या टू सिंग वेल रिक्वायर्स, ये भी हो जाएगा आपका, रिक्वायर्स ग्रेट स्किल, अच्छा गाने के लिए जरूरत है। सुमन डिड नॉट राइट हो जाएगा, विवरण लगेगा इसके बाद, डिड नॉट के बाद क्रिया का पहला रूप आता है, ये हो जाएगा राइट। हु खाली स्थान माय बुक, तो हु हैज स्टोलन हो जाएगा, हु हैज स्टोलन माय बुक, हु हैज स्टोलन माय बुक। चलिए तो हो गया सब आपका ऑब्जेक्टिव, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हुए होंगे तो बाद में देख लेंगे अपना दोनों सेट, फर्स्ट और आपका सेकंड शिफ्ट का मैंने ऑब्जेक्टिव मिला दिया। कल से जो है जनरल क्लास चलेगा इंग्लिश का, सभी क्लास के लिए रहेगा, 9, 10, 11, 12 जो भी लाइकन है वो सबके लिए रहेगा, आज मैंने मिला दिया। और इस तरह से बताएंगे सब मैसेज के द्वारा कितने सही हुआ सबका, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए हमसे। कल से फिर आपका क्लास चलेगा रेगुलर, जो है जनरली बैच पढ़ाया जाएगा इंग्लिश का, इस पर कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ सकता है, किसी भी क्लास का पढ़ सकता है। तो आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके बाद साथ साथ से आपका सोनू सर पढ़ाएंगे, है ना, पॉलिटी पढ़ा रहे थे वो पढ़ाएंगे आकर आपको।